भक्तों, आपका स्वागत है हमारे वशीकरण के इस YouTube चैनल में। आज आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा शक्तिशाली वशीकरण का उपाय जिससे आप किसी भी स्त्री को, पुरुष को, लड़के को या आप किसी महिला को वश में कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको सिर्फ करना क्या है, काली माँ की तस्वीर लगानी है आपको अपने सामने और उसके बाद आपको आसन लगा के बैठ जाना है। ये विधि आपको करनी है शनिवार के दिन। अगर आप इसका उपयोग शनिवार के दिन करते हैं तो आप जिसको भी वश में करना चाहते हैं वो व्यक्ति सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर आपके वश में होगा। और मैं आपको बताने जा रही हूँ अभी एक ऐसी विधि जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे जो नए वीडियोज़ हैं उनका अपडेट मिलता रहेगा। तो आइए ध्यान से देखिए इस वीडियो को जानने के लिए कि क्या है ये शक्तिशाली वशीकरण विधि। सबसे पहले दो तुलसी के पत्ते ले लीजिए, इन्हें आप धो लीजिए और उसके बाद सुखाकर पोंछ लीजिए। ये जब साफ हो जाएंगे उसके बाद आपको अपना नाम और अगर आप किसी लड़के को वश में करना चाहते हैं या फिर किसी लड़की को वश में करना चाहते हैं तो एक पत्ते पर आपको अपना नाम लिखना है और एक पत्ते पर आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ किस तरह से आपको इस पर नाम लिखना है। सबसे पहले आप इस पर मार्कर की सहायता से आपको लाल रंग का मार्कर लेना है और फिर उसका नाम लिखना है। तो पहले अपना नाम लिख लीजिए। मैं यहाँ पर अभी लड़के का नाम अमित लिख देते हैं और इसके बाद इसे एक जगह रख दीजिए। और दूसरे पत्ते पर आपको लिखना है लड़की का नाम। तो मैं लड़की का नाम यहाँ पर अभी पूजा लिख रही हूँ। इस तरह से लिख दीजिए ताकि ये खराब ना हो, साफ साफ आपको इसको लिख देना है। इसे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रखें और उसके बाद आपको इस मंत्र का, जो कि मंत्र आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपके लिए इसको लिख के रखा है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए और आप भी चाहें तो इसे कहीं पर लिख लीजिए क्योंकि आपको इसका उच्चारण सही तरीके से करना है। आपको इसमें कोई भी गलती, कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर गलत मंत्र का उच्चारण करेंगे तो ये वशीकरण विधि काम नहीं करती है। इसीलिए इस मंत्र को एकदम सही तरीके से आपको सटीक उच्चारण करना है। मंत्र आपको पढ़ना है 151 बार। अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम बोलते हुए आप इस मंत्र की शुरुआत कीजिए और इसे 151 बार पढ़िए। और हर बार जब आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे उसके बाद आपको तुलसी के पत्तों पर फूंकना है। ये जो तुलसी के पत्ते जो हमने इस्तेमाल किए, जिस पर हमने नाम लिखा हुआ है, जहां पर आपने अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम लिखा है वहां पर आपको फूंकना है। इस तरह से मंत्र पढ़ने से ये पत्ते अभिमंत्रित हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है कि इसे आपने जिस पर अपना नाम लिखा हुआ है, जिस पत्ते पर, उसे आपको अपनी जीभ के ऊपर रखना है और जिस पर आपने अपनी प्रेमिका या प्रेमी का नाम लिखा हुआ है उसे आपको जीभ के नीचे रखना है। और उसके बाद आपको इस मंत्र को 7 बार और बोलना है। इसके बाद 7 बार बोलने के बाद आप इन पत्तों को अपने मुंह से बाहर निकालिए और उसके बाद अपने घर के पास में आप किसी भी ऐसी जगह पर जाइए जहां पर एकांत स्थल हो, जहां पर कोई भी आपको टोके ना, कोई आपसे ये ना पूछे कि अरे क्या कर रहे हो, वहां पर जाकर आपको मिट्टी में इन दोनों पत्तों को दफना देना है। ऐसा करने से सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी रूठी हुई प्रेमिका या आपका रूठा हुआ प्रेमी फिर से आपके वश में होगा। आपके जीवन में आपका रूठा हुआ प्यार वापस आ जाएगा। अगर आप किसी और को वश में करना चाहते हैं तो वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। इसका प्रयोग आपको, जैसा कि मैंने बताया कि शनिवार के दिन करना है, सुबह उठकर प्रातःकाल 4 बजे आपको इसका उपयोग करना है, तभी ये काम करता है। तो ये वशीकरण प्रयोग बहुत ही ज्यादा तीव्र है। इसे किसी भी द्वेष की भावना से या गलत भावना, दुर्भावना से बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से दुष्परिणाम हो सकता है। अगर आपको कोई भी सवाल हो जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ये उपाय करें, आपके पास आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पर कॉल लगाइए और हम आपके लिए ये उपाय आपको करके देंगे। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। भक्तों, देखते रहिए हमारे इस चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए।